बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक करंट टाइम के हवाले से ही है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी वो 8 जुलाई को बनाई थी मैंने करंट टाइम के हवाले से वीडियो, और आज 15 जुलाई हो गया है। तो इस दौरान पिछले आखिरी एक हफ्ते में काफी सारे लोग पाकिस्तान से तुर्की आए हैं माशाल्लाह, और उन्होंने करंट टाइम में रहे भी हैं वो, और जो जो परेशानियां उन लोगों ने फेस करी हैं, जो जो प्रॉब्लम्स उनसे हमारी डिस्कस हुई, तो मैं सोच रहा था कि उस पर एक वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दूं कि उन लोगों को यहाँ पर क्या परेशानियां हुई, उन्होंने अब तक एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करा। तो मैं चाह रहा था कि वो आने वाले जो लोग हैं उनके साथ मैं वो एक्सपीरियंस शेयर कर दूं। आजकल क्वारंटाइन सेंटर में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है वो वाईफाई की हो रही है। वाईफाई फौरन नहीं मिल रहा, जब लोग यहाँ पर आ जाते हैं उनको रूम दे दिया जा रहा है, तो नेक्स्ट डे उनको जो है वो वाईफाई दिया जा रहा है, जिसकी वजह से वो लोग अपने घर वालों से कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे। और इसमें एक अच्छी चीज ये है कि अभी जो है वो क्वारंटाइन सेंटर में तो टेलीकॉम यहाँ पे एक सिम की कंपनी है, वो क्वारंटाइन सेंटर खुद उनके नुमाइंदे आ रहे हैं और वो पासपोर्ट पर सिम दे रहे हैं। नॉर्मली अगर आप पासपोर्ट पर सिम खरीदते हैं नॉर्मल जगह से, तो वो आपको नॉर्मली 190 या 200 रुपीस लीरा की मिल जाती है। पासपोर्ट पर सिम की कॉस्ट थोड़ी महंगी होती है नॉर्मली। अगर आपके पास विन परमिट कार्ड है तो उस पर आपको सिम मिलती है तकरीबन मेरा ख्याल है 140-150 रुपीस लीरा की। मगर आप पासपोर्ट में जब सिम कार्ड लेते हैं तो वो आपको 190, 180 और 200 डिपेंड करता है दुकान वाले पर कि वो आपको कितने की दे रहा है। शॉपकीपर के ऊपर डिपेंड करती है चीजें। बहरहाल अभी क्वारंटाइन सेंटर के अंदर टूक टेलीकॉम के जो है वो नुमाइंदे आ रहे हैं और वो सिम प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसकी कॉस्ट जो है वो 220 या 230 तुर्किश लीरा में आपको सिम दे रहे हैं, जिसमें एक महीने का पैकेज शामिल होता है। इतना पैकेज होता है कि आपका वहां पर इजीली गुजारा हो जाए। तो जो लोग भी सिम खरीदना चाहते हैं तो वो लोग आएंगे आपके क्वारंटाइन सेंटर में, तो आप कोऑर्डिनेशन में रहें उन लोगों से, इंतजामिया को बता दें कि हमें सिम खरीदनी है तो वो आपको हेल्प आउट कर देंगे इसमें, तो आप लोग सिम खुद भी खरीद सकते हैं। बाकी अभी रिसेंटली जो अपडेट्स आई हैं वो यही है कि एक दिन तक जो है वो वाईफाई की वजह से लोगों को काफी परेशानियां उठाना पड़ रही है। और दूसरा, जब आप आते हैं तो यहाँ पे फौरन जो वो खाने का इंतजाम सुनने में आया कि वो इतनी जल्दी खाना आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो अपने लिए मतलब कुछ खाने पीने की कुछ रेडीमेड खाना टायर्स वगैरह बिस्किट्स वगैरह, और अगर बच्चों के साथ ट्रेवल कर रहे तो इसका ज्यादा ख्याल रखें कि बच्चे जो है वो क्या खाना पसंद करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा बहुत खाने के लिए अरेंजमेंट कर आए। अभी जो क्वारंटाइन सेंटर की करंट सिचुएशन है उसमें यही है कि सातवें दिन जो है वो आपका टेस्ट हो रहा है, और किसी को सातवें दिन ही रिलीज कर रहे हैं और किसी को आठवें दिन भी रिलीज कर रहे हैं। बाकी ये भी अपडेट सुनने में आई है कि कुछ लोगों ने यहाँ पर मेडिकल इशू बनाकर मेडिकल रिपोर्ट दिखा करके हमें हमारी मिसाल के तौर पे कोई अपॉइंटमेंट है, हमें लाजमी जो है वो जाना है, हम इसी वजह से यहाँ पर आए थे, कोई एप्लीकेशन हॉस्पिटल से लिखवा कर जो है वो दिखाया, तो उनको 2 से 3 दिन में भी रिलीज कर दिया गया अप्रूवल के बाद वो लेटर, और मैनेजमेंट ने अगर उसको अप्रूव कर दिया तो लोग ऐसे भी कुछ लोग जो है वो क्वारंटाइन से 2 से 3 दिन में फ्री हो गए। बाकी लोगों का वही सवाल आ रहा था कि 10 दिन और 7 दिन के वीजे पे हमें क्या करना चाहिए, तो मैंने आप लोगों को पहली वाली वीडियो साहब मेरी देख ली, उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया है। अभी रिसेंटली 10 दिन के वीजे वाले काफी सारे लोग लाहौर से कराची से जो है वो तुर्की ट्रेवल किया हम लोगों ने, अब 10 दिन से जिनका कम वीजा उसका अभी हमें अपडेट्स नहीं मिली है। बाकी आप इमिग्रेशन ऑफिस से तुर्की एम्बेसी से कॉन्टेक्ट कर आए जिनको भी यहाँ पर आना है। आजकल फिर सोशल मीडिया पे एक रूमर जो है वो स्टार्ट हो गया है कि क्वारंटाइन जो है वो 19 जुलाई से खत्म हो रहा है तुर्की के अंदर, तो तुर्की के अंदर भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई नहीं है। हाँ ये जरूर है कि तुर्की ने जो मैंने आपको पहली वाली वीडियोस में बताया था कि तुर्की ने जो क्वारंटाइन की डिसीजन जो डाली थी पाकिस्तान इंडिया और बाकी की जो ममालिक पे डाली थी, उसकी वजह मेन वजह जो थी कि वो बड़े कंट्रीज जो थे खासतौर में यूके और यूरोप कंट्रीज जो लोग यहाँ से ट्रेवल करके जा रहे थे या तुर्की, उनको रोकने के लिए जो है वो उनको बड़ी कंट्रीज से प्रेशर आ रहा था बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से तुर्की ने भी क्वारंटाइन शर्त रख दी थी। बट अभी अपडेट्स रिसेंटली जो आई हैं वो ये आई है कि यूके ने जो है वो अम्बर लिस्ट जो मतलब जो एक रेड लिस्ट बनाई हुई थी, अम्बर लिस्ट बनाई हुई थी, ग्रीन लिस्ट बनाई हुई थी लोग बोलते हैं, उसमें से अभी उन्होंने ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पर अनाउंस कर दिया है कि 19 जुलाई से जो लोग तुर्की मतलब यूके आएंगे और अगर वो वैक्सीनेटेड हैं, उनकी वैक्सीन हुई भी है, तो उनको क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। तो इस हवाले से बहुत सारे लोग ये भी समझ रहे हैं कि तुर्की में भी शायद 19 जुलाई से क्वारंटाइन खत्म हो जाएगा। देखिए यूके की अलग पॉलिसी है, तुर्की की अलग पॉलिसी है, मे बी के इस वजह से शायद तुर्की में भी आने वाले दिनों के अंदर 19 जुलाई के बाद या फिर 25 जुलाई या फिर 30 जुलाई को क्वारंटाइन खत्म हो जाए,
मगर जब तक कोई ऑफिशियल इनकी न्यूज किसी ऑफिशियल वेबसाइट पर या किसी ऑथेंटिक पर्सन से हम ना सुन लें, तब तक हम इन बातों पर यकीन नहीं कर सकते। बड़ा यूके ने जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अनाउंसमेंट आ चुकी है, उसके लिंक्स भी मैं आपको कर रहा हूँ, आप चाहें तो वहां जाकर पढ़ लें। उसमें पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल वगैरह भी शामिल था। अब अगर कोई यूके जाना चाहता है, उसकी वैक्सीन हुई भी है, तो वो क्वारंटाइन के बगैर यूके जा सकता है। तो इससे हो सकता है कि हम लोगों को एज मिल जाए और तुर्की भी जो है वो क्वारंटाइन रिस्ट्रिक्शन को जो है वो खत्म कर दे, ये हो सकता है। बट अभी चीजा इसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। जैसे इस हवाले से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट इंशाल्लाह होगी तो वो भी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।